संगवारी हो, मई महीना के दूसर गुरुवार मा तुहर चंचल दीदी के जय जोहार। तो वावाओ आप सबके मया परेम पाइबर तुहर सुरता करत सकलाय हन बाल वाटिका में। जी हाँ, गीत संगीत तो हाबेज, फिर ये पई थे चित्रकला के महत्व, प्रश्नोत्तरी और हाना के ताना बाना। तो फिर मजा लेवन बाल वाटिका के, आवाज बेरा के बात में सुनबो गर्मी छुट्टी के उपयोग करन। संगी हो, ऐसो गर्मी घात जनावत है, उमस में अकल बकल घलो लागत है। हम सब जन के परीक्षा हो गए, परीक्षा में अच्छा नंबर से पास घलो हो गए। अब का करन। तो मैं बताता हूँ, ऐसो गर्मी में हमार मोहल्ला में समर कैंप के क्लास लगते। जी हाँ, हमार तुहर असन नान्हे लइका मन के कला ला निखारे बर संगीत के शिक्षा दे जाते। और यही शिक्षा में तुमन ला गाना गाए बर सीखो ही, चित्र बनाए बर सीखो ही, वहाँ हारमोनियम बजाए बर घला सीखो ही, और उसने लइका मल्ला शतरंज खेले बर बताही, जेकर से हमार मस्तिष्क के विकास होते। और संगी हो, कॉलेज 10वीं 12वीं के रिजल्ट है घलो वैसे, तब 10वीं के बाद का विषय लेना है तेकरो तैयारी करना है, 12वीं के बाद का करना है ओहूला सोचना है, और कोचिंग क्लास ला घलो ज्वाइन करना है। जे जे लइका मन टॉप 10 में आए हैं, हम ओकर से शिक्षा लेवन। अब आज टॉप 10 में जितना लइका मन आए हैं सबके पेपर में छपे है, तो तुमन हाँ अपन समय निकाल के जरूर पेपर ला पढ़ू और उसने टॉप 10 में आए के प्रयास करू। संगी हो, उसने गर्मी छुट्टी में हमार नानी रंग रंग के कहानी ला घलो बताते। बेरा मिलही तब नानी घर घलो जाबो भैया, ऐसो गर्मी छुट्टी में घात मजा ही, ऐसो गर्मी छुट्टी के सुघर उपयोग हो ही। संगी हो, पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी भर चलत रहे, फिर स्वस्थ रहे भर खेलना जरूरी है, और खेलबो कामा तब एकर भर खिलौना जरूरी है। तब आवाओ खिलौना बिसाए बर चलबो, और उदे देखे ना खिलौना वाला आगे, तो सुनो ये सुंदर गीत खिलौना वाला आगे, जिला स्वर दे बैता राम साहू। खिलौना वाले आगे, खिलौना वाले आगे, खिलौना वाले आगे, खिलौना वाले आगे, खिलौना भाई ये लाओ, खिलौना भाई ये लाओ, ओ मन भर के खेलो, ले भैया मन आ जाओ जी, ले गैया मन आ जाओ जी, खिलौना भाई ये लाओ, ओ मन भर के खेलो, ले भैया मन आ जाओ जी, देखिया मन आ जाओ जी, ले गैया मन आ जाओ जी। साथे तो बेंदरी मनाते, कोलिया हाथी लोंदो बनाते, कोलिया हाथी लोंदो बनाते, बेंदरा री साथे तब बेंदरी मनाते, कोलिया हाथी लोंदो बनाते, कोलिया हाथी लोंदो बनाते, शिकारी ये बंदूक चला थे, ए आवे जकड़ी जे सबला बला थे, ए आवे जकड़ी जे सबला बला थे, खेलैया मन आ जाओ जी, देखैया मन आ जाओ जी, खेलौना भाई ये लो, औ मन भर के खेलो, ले गैया मन आ जाओ जी, देखैया मन आ जाओ जी, ले गैया मन आ जाओ जी।
हा भूख थे ता कुकुर हा भूख थे लईका मन खेलौना के तिर तिर में झम थे लईका मन खेलौना के तिर तिर में झम थे बैगा हाय हाय बैगा हा भूख थे ता कुकुर हा भूख थे लईका मन खेलौना के तिर तिर में झम थे लईका मन खेलौना के तिर तिर में झम थे दुर्गा के चरण में सब कोनो झुक थे दुर्गा के चरण में सब कोनो झुक थे मिठू हमीर चाला खा खा के थोक थे मिठू हमीर चाला खा खा के थोक थे देखैया मनिया जा जी ले गैया मनिया जा जी खेलो ना भाई ये लो आओ मन भर के खेलो दे भैया मनिया जाओ जी देखैया मनिया जाओ जी ले गैया मनिया जाओ जी पुत्री के भाव बड़ा सस्ता लईका हा पढ़े बर धरे हवे बस्ता लईका हा पढ़े बर धरे हवे बस्ता रुपिया पुत्री के भाव बड़ा सस्ता लईका हा पढ़े पर धरे हवे बस्ता लईका हा पढ़े पर धरे हवे बस्ता मुसुआ खावत हवे मुसुर मुसुर खस्ता घोड़ा भालू भगवा भागे रास्ता रास्ता घोड़ा भालू भगवा भागे रास्ता रास्ता ले गैया मनिया जा जी ले भैया मनिया जा जी खेलो ना भाई ये लो मन भर के खेलो ले भैया मनिया जा जी देखैया मनिया जा जी ए बाबू ए नोनी ए दीदी ए तिया तो हाय हाय खेलो ना भाई ये लो मन भर के खेलो ले गैया मनिया जा जी ले भैया 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 मनिया जा जी घात सुंगर लागी संगवारी हो बेहतर राम साहू के ये गीत खिलौना वाले है संगी हो आदमी हा जिंदगी भर सीख थे उसने यहूला जानो क्रम में आज सुनबो छत्तीसगढ़ के लोक जीवन मा लोक संस्कृति और चित्रकला के महत्ता ला जेकर वार्ताकार है देविका परमार हा तो सुनन देविका परमार से ये वार्ता ला आकाशवाणी के जम्मो श्रोता गणला देविका परमार के जय जोहार संगवारी हो का तुमन जानत हो कि हमर छत्तीसगढ़ के लोक जीवन मा लोक संस्कृति और चित्रकला के का महत्तम हवे चलो आज यहू ल जानथन छत्तीसगढ़ के लोक जीवन मा संस्कृति के अब्बड़ महत्तम हवे मनखे अपन मन के भाव ल पढ़ लिख और बोल के चित्र के रूप में उतार थे अब चित्र बर कोनो भाखा के जरूरत तो रहे नहीं ओहा तो चुप होके सबोला कह देते जेमा मनखे के प्रेम पीरा उछा संदेश मनोतु टोटका सजावट संग आने आने के भाव हरई थे आने आने रंग ले बने ए चित्र मन हा हमर मन के भाव ला उघारे बर कुचिताय ओकर बिना हमर लोक जीवन के कल्पना नहीं करे जा सके आदिम जुग मा पथरा ला खोद के जग के संदेश ला पिरोए गे हे सिंघनपुर काबरा जोगी मारा चितवा डोंगरी मा एकर प्रमाण घलो हवे कला हा अविकसित होए के बाद घलो एक ठन ठीहा ला बनाए गे हे
राजा परजा के भाव, संदेश, देवता धामी, काम कला, टोना टोटका जैसन कतकोन चित्र मन हा मनखे के गुफा ले महल के सभ्यता मा आय के परमान हवे, जेमा उकर मन के भाव के संगे संग विकास के कहानी घलो हवे। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन मा बनाए गए ठौर के हिसाब ले एला तीन भाग मा बांट सकथन। पर्दा मा बने चित्र, भुइया मा बने चित्र अउ देह मा बने चित्र। डोंगरी घाटी मा बने चित्र रतनपुर, राजिम, भोरमदेव अउ कतकोन मंदिर मा खोदाए चित्र आदिवासी मन के घर में सजे, बाहिर खींचे आड़ा तिरछा लकीर, पेड़, धरती, सूरज, चंदा, शंख, गड़ूर, काम कला के चाप जेमा प्रमुख है। दीवारी मा राउत मन के खींचे हाथा, टोटका बर गोबर के खींचे पुत्रा मन घलो एमा शामिल होते। भुइया मा चित्रकला के कतकोन रूप हवे जेमा पीतर पाक, बिहाव, सौनाही, जन्म मरम मा खींचे खड़ी लकीर, चौक, पुरई, रंगोली, गोवर्धन पूजा के खुर बहाव ह प्रमुख हवे। चित्र बनाए बर घेरूल, प्यूरी छुही, करिया माटी, कोयला, राख, गोबर, पाना पतई, फूल के रंग ला प्रयोग करे जाते। मन के समाज सुंदराय बर घलो चित्र के प्रयोग ला करते। माहूर, मेहंदी, काजर के संगे संग लोक जीवन मा गोदना के घलो महत्तम हवे। ओ हा देह के संग जवैया सिंगार माने जाते। सुआरी दाई बहिनी के देह मा गोदना के प्रथा हवे। गोदना माने सूजी के नोक मा काजर गाड़ के चित्रकारी करई। देवार जात के माई लोगिन मन हा ए कला मा कुशल रहिने। आज तो टैटू हा ओकर जगह ला लेवत हवे। प्रोफेसर सरस्वती हा कही थे लोक कला हा जन समुदाय के जिंदगी मा जब्बर कला है। जोकर जर हा भुइया मा घलो मजबूत हवे। कतकोन दुख पीरा तकलीफ सहे अउ बदलाव के बाद घलो हमर लोक कला हा अंगत के पाँव कस जमे हवे। एहा बाढ़त हे अउ सुघर होवत जात हे। ओमा नवापन तो आवत हे फेर ओहा नंदावत नहीं हे। गाँव ह मेरवाड़ बन के एकर सिर्जन मा जुटे हवे। लोक चित्त बनाए बर आदिम काल ह सूरज बन के रद्दा देखो थे। ए सब ह प्रेम के भावताए। मनखे के धरती के संगे संग जीव जिनावर बर प्रेम के संग दया, साहस, धर्म के मरम घलो हवे। ए ह मन के भाव ला उघार के कोंदा ला घलो बोलैया बना देते। एह सिर्फ हमर गांव गुड़ी तक के नो हरे बल्कि जम्मो मनखे के संस्कृति के मर्याद हरे। ऐसे तो छत्तीसगढ़ के लोक जीवन मा चित्रकला के अब बड़े उदाहरण हवे। तेन मा प्रमुख है चौक। भारतीय परंपरा मा चौक और रंगोली के घलो अब बड़ महत्तम हवे। छत्तीसगढ़ में एह आने आने के नाव और परब के आधार मा मनाए जाते। जैसे कि डंडा चौक, बिहई चौक, गुरुवारिया चौक, बेलिया, चांदनी, सकरी, गोलाबारी, कुसियारा, पुरैन पारा। जैन चौक मा पगचिन्ह, बेलबूटा, जामिती आकृति और श्रृंखलाबद्ध सज्जा हा उकेरे जाते। डंडा चौक पूजा पाठ और कोनो खास परियोजन बर ए चौक ला बनाए जाते। आटा मा नहीं तो धान ले ए चौक ला बनाते। एकर ऊपर पीढ़ा रख के पूजा प्रतिष्ठा घलो करे जाते। ए पूजा ला सुहागिन माई लोगिन मन हा करते। इही ला डंडा चौक कही थे। सौनाही छत्तीसगढ़ के माई लोगिन मन हा
सावन माह मा हरेली अमावस के घर के प्रमुख द्वार मा गोबर से सब नाही के अंकन ला करते। काबर की हरेली के तिहार मा जादू टोना के मान्यता ला ध्यान मा रख के ओकर ले बचाव खातिर ए अंकन हा करे जाते। आठे कन्हैया चित्रकारी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर मा मिट्टी के रंग ले बनाए जाने वाला चित्र हा आठे कन्हैया चित्र कहलाते। एमा कृष्ण जन्म के कथानक के वर्णन रही थे। माई लोगिन मन हा कृष्ण के आठ ठन पुत्री के पूजा करते और ओकर चित्र बनाते। हरितालिका चित्रकारी। तीजा के अवसर मा माई लोगिन मन हा हरितालिका के चित्रांकन ल करते। नवडोरा चित्रकारी। नवा घर बनाए के समय पर्दा मा गहरा अलंकरण हा नवडोरा चित्रकारी कहलाते। ए कला हा फिंजोए गे दीवार मा पशु पक्षी फूल पत्ती पेड़ पौधा के चित्रकारी करके करे जाते। गोवर्धन चित्रकारी। गोवर्धन पूजा के समय धान के कोठरी मा समृद्धि के कामना खातिर आने आने प्रकार के चित्रकारी करके लक्ष्मी और अन्न के पूजा ला करे जाते। बिहाई चित्रकारी। बिहाव के अवसर मा छत्तीसगढ़ के चितेरे जाति मन हा दीवार मा चित्रकारी करे खातिर आमंत्रित करे जाते। ओ मन हा दीवार मा देवी देवता पशु पक्षी बिहाव प्रसंग के चित्र ला अंकित करते। भित्ति चित्रकारी। रायगढ़ के तीर कबरा पहाड़ के गुफा के दीवार में बने चित्रकारी हा भित्ति चित्रकारी शैली के स्पष्ट उदाहरण हरे। हाथा। हाथ ले बनाए गए थाप ला हाथा कहे जाते। गोदना। गोदना हा तो लोक चित्र शैली के अनूठा उदाहरण हरे। माई लोगिन मन हा आभूषण स्वरूप आने आने प्रकार ले गोदना ल गुथवाते। ए हा लोक जीवन के प्रतीक और जीवंत लोक चित्र कला के उदाहरण हरे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र हा घलो अपन कला विरासत खातिर प्रसिद्ध हवे। इहां आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृति के आंचलिक स्वरूप हा दिखते। इहां गोड आदिवासी चित्रकार मन हा शिव पार्वती के चित्र बनाते और वैष्णव चित्रकार मन हा गोडिन देवी के। बेलगुर मुरिया पंडी मुरिया सगराम मरकाम विनोद मुरिया नारायण कोराम बुधराम मरकाम बलदेव मुरिया सरिता मंडावी मुकेश पुजारी अनिल नेताम माधव मुरिया और चिरकाराम धुरवा हा आदिवासी कलाकार मन हा बस्तर में कार्यरत है। एमा चिरकाराम धुरवा हा मृतक स्तंभ में चित्रकारी करते। खेम वैष्णव रिंकी वैष्णव लतिका वैष्णव महेश विश्वकर्मा उलेचंद माली और नंदू माली हा गैर आदिवासी चित्रकार हरे। छत्तीसगढ़ी चित्रकला ला लोकप्रिय बनाए मा ए लोक चित्रकार मन के जबरदस्त हाथ हवे। छत्तीसगढ़ के लोक चित्रकला साहित्य और संस्कृति हा छत्तीसगढ़ के पहचान हरे। एह ओकर आत्मा हरे। मैं आशा करत हो संगवारी हो कि तुमन ला आज के ए प्रोग्राम हा पसंद आइस होही। कैसे लगी से लिख के जरूर बताहू। धन्यवाद। संगी हो अभी अमन सुनत रहें छत्तीसगढ़ के लोक जीवन मा लोक संस्कृति और चित्रकला के महत्ता ला जेकर वार्ताकार दे से देविका परमार हा। संगी हो चिरे चिरगुन मन घलो अपन जिंदगी मा खुश रही थे। ओहू मन अपन बोली भाखा मा नाचा गाना करत रही थे। का तुहु मन सुनहु इकर गाना ला तो वावा सुनन चिरे चिरगुन के नाचा गाना ला। के नाचा गाना सुन बाबू सुन लो रे बिटिया ना।
ए चिरवन के नाचा गाना सुने बाबू सुने नोनी के सियाना बाजे बीना हरिल धुके हर मुनिया किसम किसम के साथी दोहा किसम किसम के किसम किसम के साथी दोहा किसम किसम के हान सुने बाबू सुने नोनी एतिया ना चिरे चिरगुन के नाचा गाना सुने बाबू सुने नोनी एतिया ना पड़की के बाजे बंसी घुगवा बजा सिंह बाजा रुक राए मगर मुड़िया लाए रुक राए मगर मुड़िया लाए ताली बजावा थे पान सुने बाबू सुनी नोनी एतिया ना चीरे चिरगुन के नाचा गाना सुने बाबू सुनी नोनी एतिया हो अभी अमन सुनत रहें ये गीत जिला स्वर दे रही से मंचू ध्रुवे देहूती और सेवती यादव हा संगी हो हमन तुमल्ला अंग 352 के जे प्रश्न ला पूछे रहें तेकर सही उत्तर ला घलो जानना है तो वावो अंक 352 के सही उत्तर ला जानन। पहला प्रश्न है पायरिया होइले शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते तो एकर सही उत्तर है पायरिया होइले शरीर के दांत हा प्रभावित होते। उसने प्रश्न दूसरा शतरंज के खेल मा घोड़ा हा के घर चलते तब एकर सही उत्तर है शतरंज के खेल मा घोड़ा हा ढाई घर चलते। प्रश्न तीन चित्रकोट जल प्रपात देखे बर कौन जिला मा जाए पड़ी तब एकर सही उत्तर है चित्रकोट जल प्रपात देखे बर बस्तर जिला मा जायला पड़ी। प्रश्न चार है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान कौन क्षेत्र में दिए जाते एकर सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते। उसने प्रश्न पांचवा है कर्मा लोक नित्य कौन प्रदेश के चिन्हारी आए तो एकर उत्तर है कर्मा नोक लोक नित्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के चिन्हारी आए। संगी हरो अब देखथन प्रश्नोत्तरी 353 ला ध्यान से सुनन और झप लेकर उत्तर ला लिख के भेजन तो आप मन कापी पेन ला निकाल लो और नोट करो प्रश्नोत्तरी अंक 353 ला। पहला प्रश्न है तारकोल ला हम बोल चाल मा का कही थन एक बार फिर से सुन लो तारकोल ला हम काला कही थे। प्रश्न पांचवा है विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है फिर से नोट करो विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है। संगी हो उसने हम देखथन हमर गोड बात मा ये जो हाना है वो चटनी कस चुटले हमला मिठा थे तो वावा सुनन हमुमन हाना के ताना बानाला जोड़ के देखन। पहली हाना है उधो के लेना ना माधो के देना खेल बोरे
रही हो तो आज के कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगेस तेल अपन नान नान हाथ में अपन चिट्ठी में लिख के जरूर पठो हो औ प्रश्न के उत्तर ला जरूर भेजो। आप मन के उत्तर के अब आप मन के मया प्रेम दुलार के तुम्हार चंचल दीदी ला अगोरा रही तो आप देवाओ अपन चंचल दीदी ला विदा। जय हिंद बच्चों। जय हिंद।